अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक आप लोगों की दुआओं के साथ। तो जी, सबसे पहले मैं अपने सब फ्रेंड्स से ये कहना चाहूँगी कि जो जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन मोस्टली प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप लोग को मिल सके। तो जी फ्रेंड्स, ये मेरा रिएक्शन थोड़े सा लेट आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि कल मैं थोड़ी हमारी फैमिली गेट टुगेदर थी जिसकी वजह से थोड़ी मसरूफ़ रही थी, तो मैं रिएक्शन नहीं दे सकी और अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। तो मैंने कहा चलो अभी मैं फ्री हुई थी तो मैंने कहा चलो जी आप लोगों के साथ अब शेयर कर लेते हैं। तो जी फ्रेंड्स, जिस तरह के आप लोग कुछ दिन से देख रहे हैं कि हम डड्डू की तरह इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, इधर से इधर उछलते फिर रहे हैं, ठीक। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगी आप लोगों से, आप लोगों से मैं ये बात पूछना चाहूँगी कि मुझे एक बात बताएं, जब सितारे यासीन ने कोई गुनाह किया ही नहीं, ठीक, जब उसने कोई गुनाह किया नहीं, तो फिर हम कौन से सबूत हैं जो हम बहुत, वो कहता है ना, सीक्रेट मिशन बना लेते हैं और हम सीक्रेट मिशन के तहत हम दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। मुझे मतलब मुझे समझ नहीं आती कि मतलब अगर कोई प्रूफ जो गुनाह किया ही नहीं, तो उनके प्रूफ हम क्या लेने जा रहे हैं उन दूसरी पार्टी पे। और फिर मैं हर चीज़, बंदा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और पॉइंट ऑफ व्यू हर इंसान को देने का हक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शायद, वो कहते हैं ना, 90% लोगों को बुरा लगे और शायद वाली बात है 10% लोग हों जिन्हें मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू सही लगे, पर मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर मुझे ये पता है कि मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है और मैं दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने आपसे नहीं कहा आज तक, इस ना स्टारा स्पोर्टर्स ने ना सितारा ने, कि आप यहाँ आकर माँ बहन की गालियाँ दो। हमने नहीं कहा, हम भी रिएक्शन देते हैं, हमने तो नहीं कहा आज तक माँ बहन की गालियाँ दी। आपको क्या लगता है हम लोगों को नहीं आती? हम लोगों को आपसे ज़्यादा आउट क्लास की आती हैं, पर हमने नहीं दी। क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? जैसा हम किसी के साथ करेंगे वैसे ही हमें फिर अपने लिए भी हम सोच के रखेंगे, हाँ जी ये हमारे साथ भी होना है। तो हम उतनी ही लैंग्वेज यूज़ करते हैं जितनी हम एक्सेप्ट कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नहीं मानती कि जी आपको, आप किसी मिशन पे गए हो, ठीक है गए होगे, मुझे इससे नहीं परवाह। मैं इस बारे में ये नहीं कहूँगी कि हाँ जी आप मिशन में गए हैं जी, बड़ी आपकी आरती उतारने, नहीं नहीं मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगी। सेकंड, ये आपको किसने हक दिया आप सलमा सितारा सपोर्टर्स को इस तरह धड़ल्ले से गालियाँ दें या सितारा को इतनी धड़ल्ले से गालियाँ दें? क्यों? क्योंकि सीधी सिंपल सी बात है भाई, हमने आपको नहीं बोला था कि आप कभी गालियाँ दो, हमने आपको नहीं बोला कि जी आप प्रूफ्स लेके, हमें किसी प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं है भाई। हमारा सिंपल सा फंडा है कि जी हमने सितारा को सपोर्ट करना है। अब वो कहते हैं ना, कोई भी प्रूफ हो, बेशक पूरी वीडियो ही क्यों ना ले आए, हमने सितारा को सपोर्ट करना है तो हमने करना ही करना है, सिंपल एज दैट। तो इसमें फिर ये प्रूफ, मतलब कि हम वो वाला हिसाब है ना, फिर मतलब बचपन में होता था, माँ बाप को ब्लैकमेल करते थे कि जी हमें ये चीज़ दिला दो वरना हमने रात को खाना नहीं खाना, क्योंकि हमें पता तो होता था कि भाई माँ ने तड़प जाना है कि भाई खाना नहीं खाएगा बच्चा, तो मजबूरन दिलानी पड़ती थी। हम ये जुगाड़ करते थे, अगर अम्मा का कभी दिल नरम होता था तो अम्मा फटाफट दिलवा देती थी, और जब अम्मा का दिल नरम नहीं होता था, अम्मा अकड़ के आगे से बोलती थी कि ना खाओ, फिर हम खाना भी खा लेते तो चीज़ भी नहीं मिलती थी। तो यही सिस्टम हुआ है यहाँ पर, उन्होंने कहा हमारी गेम चल गई, चल गई, नहीं चली तो फिर हम वापस आ जाएंगे, ये कह के सीक्रेट मिशन। मतलब कि आप किस सीक्रेट मिशन पर गए हैं? आप कैसे ये चीज़ कह सकते हैं कि जी आप अपोजिट पार्टी में जाएंगे तो आपको वहाँ से प्रूफ्स मिल जाएंगे? प्रूफ्स आप किस चीज़ के लेने गए हैं भाई? मतलब कि आपने अपनी इज्जत का भी तमाशा बनाया है, हम सबकी इज्जतों का तमाशा बनाया है और कुछ भी नहीं। सोनिया, वर्दा, मरियम, नौशीन, सितारा यासीन, कितनी सपोर्टर्स को आपने धड़ल्ले से गालियाँ निकाली हैं और लोगों से भी निकलवाई हैं। तो अब आप बोलते हो जी मैं तो सीक्रेट मिशन पे था। वेल डन, वेल डन, वेल डन।
बिया खान आकर बोल रही है कि मुझे हैरत इस चीज़ की है, आप सीक्रेट मिशन पे हो, आपके पास किसी का इंस्टा नहीं है, आपके पास किसी का व्हाट्सएप नहीं है, कुछ नहीं है, आप सीक्रेट मिशन पे हो, आप लाइव जाकर पीछे पर्सनल में मैसेज कर रहे हो पैनल पे बैठ के कि भाई मैं एक दिन दो मुझे, मतलब आप लोगों को, मतलब हम छोटे सपोर्टर्स हैं ना, हमें इस चीज़ का पता है कि जी जब हेटर्स की लाइव ऑन होती है तो हम सपोर्टर्स उनकी लाइव सुनने मोस्टली जाते ही जाते हैं, बेशक अपनी आईडी से ना जाएं, दूसरी आईडी से जाएं जाते हैं, तो हमें ये भी पता है कि हम जब बैठे होते हैं तो हेटर्स हमारी लाइव्स में आते हैं, हमारे पैनल्स पे आते हैं, उसके बावजूद आप मैसेज कर रहे हो, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही यार, आप सीक्रेट मिशन पे गए हो तो आप वहाँ रोशन मुस्लिमा जी लाइव में बैठी नहीं है और नीचे मैसेज करनी है कि जायद भाई प्लान के तहत गए, मतलब मुझे सीरियसली मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुई हुई थी, ये क्या चल क्या आ रहा है, मतलब सीक्रेट मिशन भी है ये सीक्रेट मिशन होते हैं ये, तो वो कहते हैं ना वो वाला सीन किया है, बस मैं खुल के बोलूँगी तो वही बात है, फिर मैं बुरी भी कहलाऊँगी, पर अगर मैं बस एक मिसाल कहूँगी कि अगर बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेना और वो समझे कि भाई ये बिल्ली मुझे नहीं खाएगी तो ये कबूतर की खुशफहमी है, बिल्ली ने खाना ही खाना है, हाँ अगर वो खुद कोई, वो कहता ना अलर्ट होकर अपना हाथ पाँव मार ले, हो सकता है बच्चे, तो बस वही बात है कि जी आपके मुंह में चोगा डाली जाएंगे आप ओके हैं, जब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके वो कहते हैं ना मुताबिक बात नहीं होगी, आप फौरन हो जाएंगे अपने डायरेक्ट, बाकी जहाँ तक रही बात जो हेटर्स भी इस बात को बोलते हैं और आप भी बोलते हो कि भैया मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ और मतलब कि मैं दे दनादन गालियाँ देता हूँ, तो भैया आपको किसी ने नहीं बोला गालियाँ दो, हम लोग भी रिएक्शन देते हैं, कितने लोग रिएक्शन देते हैं, मरियम फहद इतनी बड़ी सपोर्टर है वो रिएक्शन देती है, नौशीन सिस्टर इतनी बड़ी वो सपोर्टर है वो रिएक्शन देती है, दिलशाद रिएक्शन देता है, किसी ने भी आज तक इस तरह की गालियाँ नहीं निकाली, हर कोई रिएक्शन देता है, गालियाँ निकालते हैं वो आप अपने लिए, अपनी उससे निकालते हैं, हमारे लिए नहीं निकालते, आपका अपना एक वो कहता है ना थॉट प्रोसेस है कि गालियाँ निकालनी है, तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू था कल परसों से, जो परसों रात से जो कुछ चल रहा है उस सारे मामले में मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो मुझे मोस्टली बताइएगा, और मेरे चैनल को जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, अपना बेल आइकन मोस्टली प्रेस कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा।